शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए कि हम यहाँ से आज़ाद हुए हैं IDC से। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हफ्ते का दिन था तो हम, मेरे दो बेटे और मेरे शोहर और मैं, हम चर्च जाने के लिए तैयार हो रहे थे। वो उर्दू चर्च जाते थे, वहाँ जाने के लिए हम तैयार हो रहे थे। तो नीचे मेरा बड़ा बेटा गया था, तो नीचे इमिग्रेशन आई हुई थी, तो वो आगे उन्होंने हमें पूछा। मेरी दो बेटियां भी हैं मगर वो बैंकॉक से ना कुछ बाहर थी, गई अपनी दोस्त से मिलने, वो घर नहीं थी। तो हम चारों पकड़े गए, IDC में आए। तो अगले दिन दो छुट्टियां थी, फिर एक पास्टर साहब, पास्टर मार्क, उन्होंने हमारा फाइन पे किया। तो हमें कोर्ट में जब ले गए तो फिर उन्होंने हमारा फाइन पे करके तो इधर आए ना जब हमें, तो हमें ये पता चला कि यहाँ पे ना कुछ देर से ना यहाँ पे ना लोगों को रोटी मिल रही है। पहले हम सुनते थे कि यहाँ पे चावल मिलते हैं, बड़ा मुश्किल है यहाँ पे रहना, बहुत मुश्किल है। और हम इतना रोए, इतना रोते थे कि खुदाया हम क्या करेंगे। मेरे शोहर जो है ना वो शुगर के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर के, मैं भी ब्लड प्रेशर और शुगर की मरीज हूँ, तो इस वजह से हमें बहुत परेशानी थी। फिर हमें पता चला कि इधर रोटी मिलती है, और भाई के नाम का पता चला कि भाई फर्क है जो इधर लोगों को खाना दे के जाते हैं। तो फिर हमें बड़ी खुशी हुई, और हमने बकायदा भाई फर्क के नाम की ना एक वो पेपर लिख के अपने रूम में रखा हुआ था, रूम 11 में, उसके ऊपर हम डेली प्रेयर करते थे भाई के लिए, उनकी टीम के लिए, कि खुदावंदा तूने हमारे लिए, और वो बंदा पहले से हमारे लिए तूने रखा हुआ है कि वो अपने लोगों की मदद करे और हेल्प करे। तो मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि भाई ने मेरी फाइन पे करके, भाई फर्क ने, और मेरी बेल करवाई है। और अब मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे बच्चे और मेरे शोहर की भी वो करवाएं। खुदावंद का शुक्र।